हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और कंप्यूटर सीखो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों पेंट में एक बढ़िया ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप लोग यहाँ से कोई डिजाइन या कोई शेप्स बना के आप जो है कि और यहाँ से इरेजर टूल से जो है कि आप मिटाते हैं, तो सिर्फ मतलब ये दोनों मिट जा रहा है। जैसे एक और कलर ले लेते हैं, इसमें से फिल कर लेते हैं ये नीला। जब आप इरेजर टूल से जो है दोस्तों आप लोग मिटाते हैं, तो ये देखिए ट्रैक रहने में दोनों मिट जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ऐसा ट्रिक बनाएंगे इरेजर टूल से कि आप लोग जिस कलर को सिर्फ मिटाना चाहते हैं वही कलर मिटेगा और उसके अलावा कोई कलर नहीं मिटेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप लोगों को करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक इमेज ले लिया, शेप्स ले लिया, इसके अंदर जो है कलर फिल। ठीक है, और इसको दोस्तों मैं इसके अंदर एक और कलर फिल कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए रेड कलर का। ठीक है, और इसके अंदर एक कलर फिल कर लेता हूँ ये नीला टाइप का। ठीक है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसके अंदर देखिए तीन कलर है, येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, एक रेड कलर है। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ किस कलर को मिटाना चाहता हूँ, जब मैं इरेजर टूल जो प्रेस करूँगा दोस्तों इस तरह से पूरा दोनों मिट रहा है, सब मिट रहा है। तो मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि आप सिर्फ ये ब्लू वाले कलर को आप मिटा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इरेजर टूल से देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, तो जिस कलर को आपको मिटाना है दोस्तों इरेजर टूल से, तो उस कलर को वन कलर में आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ सेलेक्ट है। ठीक, अब इसके बाद अपने कीबोर्ड पर जाइए और कंट्रोल बटन को जो है प्रेस करिए, मतलब प्रेस करिए रहेगा, छोड़िएगा मत। इसके बाद माउस पर जाइए, माउस राइट वाले बटन से आप उसको दबा के ड्रैग कराइए और ये देखिए आपका यहाँ से मिट रहा है। देखिए जा रहा है ऊपर दोस्तों, लेकिन ये मिट रहा है, देखिए इस तरह से सिर्फ। देखिए इस तरह से आप जो है इरेजर करके मिटा सकते हैं। ये देखिए पीला वाला नहीं मिट रहा है दोस्तों, अगर उसके ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी मिट नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो है कि यहाँ से हमने ट्रिक पता है इसमें इसके अंदर होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने मिटाया, इसको मिटने का। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग मिटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शेप्स के अंदर किसी कलर को मिटाना है, सिर्फ उसी शेप्स को, उसी कलर को, तो आप लोग मिटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो आप लोग लाइक और कमेंट्स शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। तो इस वाली वीडियो में नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।